अगर हमें कुछ शख्स कहता है कि शबे बरात को उठ के नफल न पढ़ो, तो भाई नफल हमने पढ़ने अल्लाह की रिदा के लिए। हमें किसी बंदे से डिग्री लेने की जरूरत नहीं। ना तू हमारे और रब के दरमियान माज अल्लाह को वसीला है कि तू कहेगा तो पढ़ेंगे, जब दिल करेगा पढ़ेंगे और जितने दिल करेगा पढ़ेंगे। हम तो नफल कह रहे हैं इसको, हमने कब कहा है जरूरी है जो इशा पढ़ के सो जाए फजर तक सोया रहे, हम उसको गुनाहगार नहीं कह रहे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि गोल्डन चांस मिस कर दिया इसने, चांस मिस किया है, ये तो अल्लाह की रहमत का मौका था। हजरत सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि शाबान की 15वीं रात थी, यानी शब बारात की रात, फरमाती है शाबान की 15वीं रात थी, मैंने अचानक नजर डाली तो हुजूर मेरे बिस्तर में थे, फिर मेरी नजर पड़ी तो हुजूर नहीं थे। मेरे दिल में गुमान आया, ख्याल आया कि शायद किसी और जौजा की तरफ हुजूर का मेलाने तबाह हो गया हो, वहां तशरीफ ले गए हो। फरमाती मैं उठी बाहर गई तो नबी करीम अलैहि सलाम जन्नतुल बकी में थे, करीब एक जगह पे हुजूर दुआएं मांग रहे थे। फरमाते मैं गया तो हुजूर फरमाने लगे, अबू बकर की बेटी तूने क्या गुमान किया कि अल्लाह का रसूल तेरी हक तलफी करेगा? अर्ज की, हुजूर आप मालिक हैं, कहीं और जाना चाहे तो मेरी तरफ से पाबंदी नहीं। कहती है वहां खड़े खड़े मेरे रसूल करीम ने बयान फरमाया, ये तिर्मिज़ी के लफ्ज़ हैं। हुजूर ने